हे आत्मा, आत्म ध्यान गहरे गहरे आत्मबोध का नाम ही आत्म ध्यान। जहां गहराई से आत्मा का बोध हो, जहां गहरे तल से आत्मा का बोध हो, उस गहरे तल से आत्मबोध होने का नाम आत्मध्यान। आत्मध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मशक्ति की स्वीकारता चाहिए, और वह स्वीकारता अनंत गहरी और अनंत गहरी होनी और अनंत गहरी होनी चाहिए। अर्थात शाश्वत स्वरूप परमात्मा हो, ये स्वीकारता
बहुत अधिक बलवत होनी चाहिए, बहुत अधिक बलवान होनी चाहिए। मैं शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं शाश्वत स्वरूप परमात्मा। मेरा रूप चिदानंदमय स्वरूप है, मेरी शक्ति चैतन्य आनंदमय है, जितनी गहराई से अपना स्वभाव स्वीकार होगा उतना अच्छा अंतरात्मा भाव का ध्यान हो सकता है। क्योंकि आत्म ध्यान में चेतन आत्मा, आत्म ध्यान में चिंतन मात्र आश्रय है, बस चिंतन व्यवहार ध्यान है। ये बात स्मरण में रहे, आत्मचिंतन व्यवहार ध्यान है, व्यवहार। आत्मचिंतन व्यवहार है, शुभ परिणतियों का परिणमन है। निश्चय ध्यान तो उस शुभ भाव धारा से, उस चिंतन धारा से परे, जो चैतन्य में आनंद पकड़ में आ रहा है, जो चैतन्य में शक्ति स्वीकार हो रही कि मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। जो चैतन्य धारा स्वीकार हो रही है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, वो चैतन्य मात्र जो मैं हूँ, वो चैतन्य मात्र जो चैतन्य मात्र में हूं, वो चैतन्य मात्र की ओर उपयोग का सूक्ष्म हो जाना, उपयोग का अपने चैतन्यमय स्वभाव में सूक्ष्म हो जाना, इसका नाम आत्म ध्यान। जहाँ मन वचन आए, इन तीनों की क्रिया और इन तीनों का हलन चलन या इन तीनों की एकाग्रता सब बाहर रह जाती है, एकमात्र अंतर रहता है ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का प्रकाश। वीतराग ध्रुव शक्ति का प्रकाश, अविचल ज्ञायक स्वभाव का बोध, अपने निराभाव की वर्तना ही सहज आत्म ध्यान है चैतन्य। अपने वीतराग तत्व की वर्तना ही सहज ध्यान, थोड़ा सा सजग हो जाओ, निज स्वभाव के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाओ, थोड़ा सा आत्म स्वभाव के प्रति सजग हो जाओ आत्मा, निज प्रभुता के प्रति सजगता, निज प्रभुता के प्रति, निज ज्ञान में चैतन्य शक्ति की सतर्कता, सावधानी,
अपने ज्ञान अमृत निज चिदानंद शक्ति को ग्रहण करने के लिए थोड़े से होश में आओ आत्मा, थोड़े से सचेतन अवस्था को प्राप्त करो। ये अचेतन मन से तुम्हारी का मार्ग नहीं बनेगा। चेतन उद्गल भाव की स्थिरता से मुक्ति नहीं मिलेगी। अचेतन उद्गल भाव की स्थिरता से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी अचेतन भाव की स्थिरता से। यदि वास्तविकता में मुक्ति चाहिए तो आत्म जागृति सहित चैतन्य पिंड परमात्मा, चैतन्य धन स्वरूप निज प्रभुता की ओर आओ। चेतन आत्मा निज गायक तत्व भगवान आत्मा की ओर पलटो, निज आत्मानंद की ओर पलटो। चेतन निज आनंद की ओर पलटो। पलटो अपनी परिणति को, पलटो अपनी परिणति को, पलटो अपने उपयोग को आत्मा। पलट लो अपने ज्ञान की धारा को। इन इंद्रिय विषयन में रत है, पाप विषय कसाय की झूठी माया में डूबा है, पुण्य पाप की उलझनों में चकरा रहा है। हे चेतन चिदात्मा, आत्मबोध गहरा आत्मबोध करो। सब सब कुछ यही छूटना है। यह सारा कुछ दिखाई देने वाला यही छूटना है चेतन। जब ये सारा कुछ छूटना ही है तो फिर इसके प्रति पागलपन क्यों, होश में क्यों नहीं आते, जागते क्यों नहीं हो आत्मा, बोध क्यों नहीं जगाते, विचार क्यों नहीं करते। और विचार करते करते यदि सम्यक विचार करते हो तो फिर विचार करते 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 सूक्ष्म क्यों नहीं होते। ये विचार विचार विचार, इन विचारों से भी परे में चिदानंद आत्मा। सूक्ष्म क्यों नहीं होते आत्मा, उपयोग सूक्ष्म क्यों नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म उपयोग ही अपने अतींद्रिय आत्म स्वभाव का स्वयं अवलोकन कर सकता है। सूक्ष्म होने वाला उपयोग ही अपने भीतराग तत्व का अनुभव कर सकता है। अपने ज्ञायक भाव की व्यक्तता कर सकता है। सूक्ष्म होने वाला उपयोग ही कर सकता है बस, स्थूल नहीं। ये स्थूल नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म में अतींद्रिय आत्मा का आनंद, सूक्ष्म में चिदानंद चिदानंद चिदानंद। देखो तो अपनी अंतरात्म शक्ति में। देखो तो अंतरात्म बोध,
चैतन्य 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 तो अंतर आत्मबोध जहाँ चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं। जहां ऐसी स्वीकारता बढ़ती है आत्मा अपने आनंद में स्वभाव की स्वीकारता, अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध जहां बढ़ता है वहां सहज ही सहज आत्म ध्यान होने लगता है। अपने सम्यक चिंतन और आत्मा के ध्यान करने की जो रुचि है उसे सम्यक दिशा दो, सम्यक दिशा। आपका ध्यान सम्यक दिशा में परिणमित हो, सही दिशा में परिणमित हो, आत्म अनुभूति की दिशा में परिणमित हो आपका योग, आपका ध्यान। नहीं तो भगवान आत्मा ध्यान के नाम पे भी मन की शांति करके उठ गए, निगोद ही जाएगी आत्मा। ध्यान ध्यान चिल्लाता तू, सुन लेना भगवान। यदि ध्यान ध्यान चिल्लाकर यदि तूने ये ध्यान ध्यान चिल्लाकर भी यदि आत्मा को नहीं जाना, आत्म ध्यान नहीं किया, अर्थात तेरा उपयोग सूक्ष्म अतींद्र स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाया, अपने निराकार चैतन्य शक्ति आत्मदर्शन की निधि सिद्ध स्वभाव की विधि नहीं लगी रही तेरी, ध्यान ध्यान चिल्लाकर भी नरकों में भटकेगा चेतन, दुर्गतियों की यात्रा करेगा। ध्यान कहने से आत्म ध्यान नहीं होता। ध्यान ध्यान कहने से आत्म ध्यान नहीं होता चेतन आत्मा। आत्म स्वभाव की गहन प्रतीति होने से आत्म ध्यान होता है। सचेत कर रहे हैं आचार्य भगवान, बैठ रोज सवेरे सकारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ और अपने ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य निर्धारित कर और ध्रुव भगवान आत्मा के लक्ष्य को निर्धारित करके फिर आत्मचिंतन के द्वारा उपयोग की स्थिरता करके मन वचन काय को भिन्न जान के स्थिरता करके आत्मा की एकाग्रता पे ध्यान दे, अर्थात सूक्ष्म उपयोग से अपने वीतराग तत्व में प्रवेश कर तो आत्म ध्यान संभव है। और ये आत्म ध्यान मुक्ति का कारण है। ऐसे आत्म ध्यान की रुचि लगा चेतन, निरंतर तत् अभ्यास से तू चल मुक्ति के मार्ग में, निरंतर तत् अभ्यास से चेतन आत्मा सावधान सावधान चेतन सावधान, जरा सी भी चूक दुर्गति का कारण है, याद रख। और दुर्गतियों से भय नहीं, भय है आत्म दृष्टि से यदि तू च्युक्त हुआ
अपने अतींद्रिय सूक्ष्म आत्मा को यदि जानने में कचास रह गई, सल या थोड़ी सी भी संशय की परिणति रह गई, तो भगवान आत्मा अनंत 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 निर्बोध की यात्रा का खतरा है। दुर्गतियों का भय नहीं, भय तो निर्बोध जाने से है, क्योंकि अपने आत्म तत्व का स्मरण टूट जाएगा चेतन, अर्क स्वभाव विस्मृत हो जाएगा पूर्ण रूपे, फिर कभी तू अपने आत्मा के चैतन्य महा चैतन्य दर्शन प्रभु अपने केवल ज्ञान स्वभाव के अर्क स्वभाव के दर्शन कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए हे चेतन आत्मा, इसलिए सावधान चेतन आत्मा, सावधान 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 सावधान। आत्मा की ओर उपयोग को सूक्ष्म करो, सूक्ष्म समय रहते चिरानंद स्वभाव का अनुभव अनिवार्य है, समय रहते इसे वीतराग तत्व की अनुभूति अनिवार्य है, और वह सहज है, करनी नहीं पड़ती, बस रुचि मात अपने उस वीतराग स्वभाव की। एक तो अपने अंतर में प्रकाशित हो रहा है ये अनंत चतुष्टय स्वभाव, अपनी वीतराग चेतन शक्ति प्रकाशमान हो रही है, अपना केवल ज्ञान में स्वभाव समय स्वरूप आत्मा स्वसमय में परिणमित हो रहा है। अब समय की गति को कौन पकड़ सकता है आत्मा, जब समय समय रूप परिणमित होता है, समय समय संयुक्त होता है, जब आत्मा आत्म संयुक्त होता है, तो फिर उसकी गति को कौन रोक सकता है। वो तो अनंत की ओर अनंत की यात्रा में जाता है, समय समय में दिखाई देता है, विचार कर लो आत्मा कि मेरे को विचार करने की आवश्यकता कहाँ, मैं निर्विचार तत्व हूँ, निर्विचार आत्म ध्यान ही उपाधेय, उपाधेय शक्ति का नाम आत्मा है। करो प्रवृत्ति अपने चिदानंद स्वभाव में, चलो अपने अंतर सरोवर में यात्रा करो चेतन, अंतर ज्ञान सरोवर में यात्रा करो, अंतर ज्ञान सरोवर में देखो अनंतानंत प्रकाश, अनंतानंत प्रकाश रिंद कमल में ज्योतिर्मान हो रहा है, विंदमय शक्ति अंतरात्म शक्ति ज्योतिर्मान हो रही है, ज्योतिर्मान हो रही है, विंदमय आत्म शक्ति प्रकाशमान हो रही है, यही है विंद कमल पे अपना अनंत वैभव। देखो नाभि कमल से अनंत अनंत प्रकाश की किरणें फट रही हैं, वही प्रकाश गुप्त कमल में है और वही हृदय कमल में, यही प्रकाश कंठ कमल और मुख कमल में जगमगा रहा है, और आज ऊर्ध होते होते आत्म ध्यान आराधना से
यही प्रकाश की अनुभूति, प्रकाश में कमल की अनुभूति, ये विंध्य कमल पे है। सहज आनंद का स्रोत है ये आत्मा, अपने विंध्य कमल में प्रकाशित होते हुए अपने भीतर आज्ञायक भाव को देखो। विंध्य कमल पे आगवानी की थी अपन ने, याद करो किसकी अगवानी की थी। अपन ने कल विंध्य कमल पे अगवानी की थी। सहज सी अर्क की आज ये विंध्य कमल का 5वां अर्क, सहज सी अर्क प्रकाशित हो रहा है। अनंत चैतन्य राशि में रत्नों की राशि की तरह चकमकाता हुआ हाथ मनोरंजन करो चेतन। यह विंध्य कमल शोभायमान है और इस पे प्रकाशमान हो रहा है ये सहज सी अर्क। अरे आत्मन, तुम इसकी विशेषता को तो जान लो। महायोगी वीतरागी भावलिंगी संत षट कमल की साधना में ली, ज्ञान रमणता के आघोष में समाये हुए वह भावलिंगी महामुनिराज इस विंध्य कमल में प्रकाशित सहज सी अर्क के सहज सी अर्क की परिणति में विलीन रहते हैं, अर्थात सहज ही परम आनंद वीतराग स्वभाव की रमणता उनका अपना स्वभाव है। सहज परमानंद स्वभाव की रमणता ही सहज सहज सी अर्क है। इसी शुद्ध वीतराग परिणति में महायोगी राज भावलिंगी संत विद्वान है तारण तरण जिनेश्वर ऐसे सहज सी अर्क का उद्घोष कर रहे हैं कि हे भव्य जी, विंध्य कमल पे ये सहज सी अर्क की ज्योति जगमगा रही है। सहज सी अर्क की ये प्रकाशमान ज्योति विंध्य कमल पे जयवंत है, जयवंत है। अब तुम अनुमोद न करके बताओ चेतन आत्मा, ऐसे सहज सी अर्क की अनुमोद न करना अपने विंध्य स्थान में स्थिर अर्थात अपने विंध्य कमल में प्रकाशित इसे सहज सी अर्क के अनंत प्रकाश को देखना अपनी आत्म शक्ति की ओर, अपने आत्म प्रकाश की ओर अपना पूरा का पूरा उपयोग सूक्ष्म कर देना। आत्मा सहज चिदानंद में है, सहज आत्मा चिदानंद में है, आत्मा सहज स्व समय में है, आत्मा सहज परमात्मा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। अरे इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति आत्म स्वभाव नहीं है, ये सहजता नहीं है, ये कठोरता है। सहज वीतराग चतुष्टय स्वभावी है ये आत्मा, सहज आनंद में झलकता। लो रे भव्य विंद 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 भवनम सहजानंद में झलकता, सहज कह रहा है सहज, सहजानंद में झलकता ये ध्रुव तत्व परमात्मा। मैं भगवान जहां शब्द नहीं, भाषा नहीं, वर्णा नहीं, महत परमार्थ है। मात्र प्रकाश पूर्ण आनंद जहां झलक रहा है, पूर्ण सुख जहां झलक रहा है, ऐसे सहज सी अर्क में रमनता 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 रमता हुआ ये आत्मा
सहज सी अर्क में रमता हुआ ये चिरानंद घन, हे आत्मन इसे विंध्य कमल को प्रकाशित करो। इस सहज सी अर्क की अगवानी में सर्वत्र भावनाओं को समर्पित कर दो, पूर्ण उपयोग झोंक दो अपनी अंतरात्मा की समस्त शक्तियों को। सहज सी अर्क, जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं है, जिस प्रकाश का कोई आदि और अंत नहीं है चेतनात्मा, ऐसा सहज सी अर्क स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, स्वीकार करो अपने इस सहज आनंद में विलास को। और ये विंध्य कमल पे स्वीकार होगा, याद रखना, जहां ज्ञान ही अपने सहज सी अर्क की परिणति से परम आनंद में विलीन होगा। सहज अनुमोदना विंध्य कमल पे होगी इस सहज सी अर्क की। छोड़ो प्रपंच आत्मा, संसार एक प्रपंच माया जाल है, होश में आओ। ये संसार कहना सुनना बोलना बताना सब माया है, माया भी शक्ति है। आत्म शक्ति विंद स्वरूप, उसमें प्रकाशित ये सहज सी अर्क, आहा ये परम प्रकाश अपना प्रकाश, ये आत्मा की परम ज्योति अपनी ज्योति है। चलो अगवानी में लग जाओ आप। ऐसे आत्मा का आह्वान करो, बहुमान करो अंतरात्मा की रुचि से, अपनी चैतन्य शक्ति को निहारो आत्मा, अपने आनंद के भाव को निहारो, अपने आनंद के भाव को निहारो। यह आनंद का भाव परिपूर्ण है, पूर्ण आनंद में है। अपने चैतन्य वितराग पद को निहारो आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। इस पूर्ण आनंद की शक्ति में रत रहो, पूर्ण आनंद की शक्ति, कल्पनाओं के क्षेत्र से परे। कल्पनाओं से परे आत्मा, कल्पनाओं से परे, कल्पना अपना स्वभाव नहीं है। कल्पनाओं से पार में शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य में आत्मा यथार्थ शक्ति है, यथार्थ जानने देखने वाला हूं मैं। यथार्थ चेतना हूं मैं, यथार्थ आत्मा काल्पनिक वस्तु नहीं, यथार्थ चेतन व्यक्त शक्ति है। इसलिए सहज, जहां अनादि से सहजता है, आत्म स्वभाव अनादि से सहज है, तभी तो ज्ञानी वार वार सब संयोग छोड़ के उसमें रम जाते हैं। उन्हें आत्मरमणता करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह सहज को अपने स्वरूप में पहचानते हैं। और जो ज्ञानी सहज को अपने स्वरूप में पहचानते हैं, वे ही मुक्त होते हैं। वही सिद्धि की संपदा को प्राप्त करते हैं। जो भी ज्ञानी बोलता है वो
निश्चय दम लगा के अपनी ही भाषा वर्णा से अर्थात इस पुद्गल भाषा वर्णा से वह ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का सुमरण स्मरण चिंतन मनन करता है। चेतन आत्मा भाषा वर्णा तो निमित्त रहती है, कहना सुनना बोलना बताना तो मात्र संयोग रहता है, लेकिन वह तो सहज 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 अपने चैतन्य पिंड में ढलता है। ये सहज ढलने का नाम सहज आत्म स्वभाव में ढलने का नाम सहज चैतन्य प्रकाश में ढलने का नाम सहज ढलने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति है जहां स्वयं आत्मा अपने आत्म स्वभाव में ढल जाए। चेतन जाग जाओ, इसी का नाम आत्म ध्यान है। सहज हिंद कमल में सहज सहज सी अर्क की अनुमोदना कर लो चेतन। निज अनुमोदना से ही ये आत्मा की कठोरता खत्म होगी। उपयोग कठोर है, बहुत बाप इसे कसायों के मन में फूला है। आत्मा के नाम पर कूला है, आत्मा को नहीं जानता दुनिया को जानता। इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं चेतन, इसलिए सहज सी अर्क की अनुमोदना करो। ये अज्ञान के जो पट खुले हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, कठोरता बुलाएगी अंतर हृदय से, और कठोरता जाते ही आत्म समरसता आत्म चिंतन की धारा आत्म स्वीकारता सहज उपलब्ध हो जाएगी। सहज सहज आएगी वह आत्म तत्व की एकाग्रता, सहज झलकेगा वो चिरानंद में स्वभाव, जिसकी झलकन में सर्वत्र लोक अलोक प्रकाशित, जिसकी झलकन में सर्वत्र लोक और अलोक सब प्रकाशित है, वह आत्म ज्योति शक्ति मेरा स्वभाव। वह आत्म ज्योति शक्ति मेरा स्वभाव, अब क्या विकल्प है चेतन। चिदानंद 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 सहजानंद में प्रभु, सहजानंद में प्रभु, सहजानंद में प्रभु, सहज आनंद में बरतती हुई चेतना मेरा स्वभाव। आहा, अब तो मद मस्त रहो मस्ती में, जो आगवानी कर लेंगे चिदानंद स्वभाव की आगवानी, जो आगवानी कर लेंगे चैतन्य घन स्वरूप की आगवानी, जो इसे विंध्य स्थान में विंध्य कमल पे अपने सहज सी अर्क की अनुमोदना करने में तत्पर होंगे, वह भव्य आत्मा वह भव्य जीव इस कठोर संसार की भयानक यात्रा से मुक्त हो जाएंगे। जिनका उपयोग कोमल होगा अपने निज चैतन्य वैभव के प्रति,
जिनका ज्ञान सहज होगा अपने वितरक तत्व, चिरानंद में आत्मशक्ति के प्रति, जो सरल होंगे सॉफ्ट, आत्मदर्शन जिनकी रुचि में है, निज आत्मदर्शन जिनकी रुचि में है, वह आत्मार्थी, वह परमार्थी, वह ज्ञानी, वह ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वह योगी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए है आत्म आत्म ध्यान अनिवार्य है। आत्म ध्यान ही अनिवार्य है। उद्गल परिवेश की दृष्टि छोड़ दो चेतन, बिल्कुल अंतिम अंतिम आचार्य भगवंत की वाणी सुनो, सार सार तत्व को ग्रहण करो, स्थूल पुद्गल विचार छोड़ दो चेतन, ओ सूक्ष्म 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 में भी सूक्ष्म अपने ज्ञायक तत्व का विचार करो, ज्ञान में स्वरूप भगवान आत्मा का विचार करो, और ऐसे चैतन्य प्रकाश में डूब जाओ जहां अपना चिरानंद में चेतन ध्रुव वितराग तत्व केवल ज्ञान में भास्कर भानु, ऐसा आत्मिक आनंद रस और वितराग शक्ति का उदय हो रहा है। वह चेतन आत्मा, इस वितराग शक्ति का उदय होना ही आत्म ध्यान है। इस चैतन्य शक्ति का उदय होना ही आत्म ध्यान है। इस चैतन्य आनंद की शक्ति का अनुभव ही आत्म ध्यान है। अब तुम सदैव अपने आत्म ध्यान में रत रहो, अपने परम प्रकाश में प्रकाशित रहो चेतन, ये देव परम प्रकाश ही आत्मा का अपना रूप है, आत्मा की अपनी चैतन्यमय शक्ति है। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, 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 वंशिद्धि नमो नमः, ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। चेतन, इस प्रकार से आत्म ध्यान ही कल्याण का मार्ग है। अपने विंध्य कमल में सहज सी अर्क की अनुभूतना ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए बिल्कुल भी थोड़ा भी भयभीत ना होके आत्म अनुबोधना में तन्मय रहो। सूक्ष्म उपयोग सहज होगा क्योंकि आत्मा सहजानंदी है और अर्क भी सहज सी अर्क है, इसलिए आकुलता का बिल्कुल प्रवेश ना हो और निराकुलता का उद्घोष सदैव बना रहे। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ये सूक्ष्म ध्यान और ये सूक्ष्म ध्यान की विधि
हर किसी को नहीं प्राप्त होती आत्मा, तुम्हें प्राप्त है तो बहुमान करो। तुम जानते हो इस रहस्य को, तो तुम आत्म स्वभाव में चरण करो और कहीं मत देखो, डटे रहो अपने शाश्वत शुद्ध धाम में। ओम नमो वंशिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमो वंशिद्ध नमो नमः।